हेलो एवरीवन, सर्वज्ञ एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स में 16 सितंबर 2021 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे, गो टू द क्वेश्चन। और फर्स्ट आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज सस्पेंडेड बाई IOC फ्रॉम द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022। IOC द्वारा किस देश को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 से निलंबित कर दिया गया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को IOC द्वारा बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 से निलंबित कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में अपनी टीम नहीं भेजी थी। इसके कारण IOC ने नॉर्थ कोरिया को पनिशमेंट दिया है, जिसमें कि उसे शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग ओलंपिक से निलंबित कर दिया गया है। अब IOC ने निलंबित किया है तो IOC के बारे में जान लेते हैं। IOC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके प्रेसिडेंट वर्तमान थॉमस बाक हैं। और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। अब नॉर्थ कोरिया को निलंबित किया गया तो नॉर्थ कोरिया के बारे में भी जान लेते हैं हम। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग है और वहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है और नॉर्थ कोरिया की करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गो टू सेकंड क्वेश्चन। विच स्टेट टॉप्ड इन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप अंडर PM कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर पंपों की स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, हरियाणा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर पंपों की स्थापना में हरियाणा राज्य प्रथम स्थान पर है। अब हरियाणा राज्य प्रथम नंबर पर है तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। वहाँ के वर्तमान गवर्नर भंडारी दत्तात्रेय हैं और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और PM कुसुम योजना, PM कुसुम योजना में प्रथम नंबर पर हरियाणा है। तो PM कुसुम का स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। PM कुसुम योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी और इसका टारगेट था 20 लाख सोलर पंप को इंस्टॉल करना। इसके तहत किसान को सोलर पंप की कीमत का मात्र 40% देना था तथा शेष 60% सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती थी। और आपको हम बता दें कि इस सोलर पैनल पंप का कैपेसिटी 10 हॉर्स पावर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गो टू द थर्ड क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को। हाल ही में मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, अजीज अखनॉफ को मोरक्को के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लेकिन मोरक्को में प्राइम मिनिस्टर को वहाँ के राजा मोहम्मद सिक्स के द्वारा नियुक्त किया गया है। हम आपको बता दें कि अजीज़ अखनॉफ ये 2007 से 2021 तक वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे। अब मोरक्को की बात है, मोरक्को के प्रधानमंत्री हैं ये, तो मोरक्को के बारे में जान लेते हैं। मोरक्को की कैपिटल रबात है। वहाँ की करेंसी मोरक्कियन दिरहम है और वहाँ वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट्स इंडियाज़ फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे इनॉग्रेटेड। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, राजस्थान। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर किया गया। अब राजस्थान में किया गया तो राजस्थान के बारे में हम जान लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है और वहाँ के CM अशोक गहलोत हैं। वहाँ के वर्तमान गवर्नर कलराज मिश्रा हैं और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक अप्रूव विच कंट्री एज इट्स न्यू मेंबर। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को नए सदस्य के रूप में मंजूरी दिया है? द राइट आंसर इज
ऑप्शन फर्स्ट यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दिया। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने तीन देशों को अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी प्रदान किया, वो हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। और हम बता दें न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मंजूरी दी है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देश के द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी। अब एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? एनडीबी का हेडक्वार्टर शंघाई है, शंघाई में स्थित है, जो कि चीन में है। एनडीबी के वर्तमान प्रेसिडेंट मार्कस प्रेडो ट्रोजो हैं और इसकी स्थापना ब्रिक्स देश के द्वारा की गई थी। ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स के द्वारा की गई थी, तो ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ वॉन द बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021? वर्ष 2021 का बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, अलेजेंड्रो प्रिटो को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। ये मैक्सिकन फोटोग्राफर हैं और इस अवार्ड में की पुरस्कार राशि 5,000 pounds होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसे 14 सितंबर 1949 को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया। और यह भारत के संविधान में आर्टिकल 343 में राजभाषा के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। हिंदी दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। और हम आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी हैज़ अपॉइंट जिम लैंजोन एज इट्स न्यू सीईओ? किस कंपनी ने जिम लैंजोन को अपना नया सीईओ नियुक्त किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, याहू। याहू ने लिन जैन उनको लैंजोन को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। अब याहू ने किया है, तो याहू स्टैंड्स फॉर येट अनदर हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड ओरेकल। और याहू की स्थापना वर्ष 1994 में यूएसए में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है। और जो जिम लैंजोन है, ये याहू से पहले टिंडर डेटिंग ऐप है, जो कि उसके सीईओ थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट्स इंडियाज लॉन्गेस्ट ओपन एयर फर्नरी ओपन? भारत की सबसे लंबी ओपन एयर फर्नी किस राज्य में खोली गई? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, उत्तराखंड। उत्तराखंड के रानीखेत जिले में फर्न स्पेसिस के कंजर्वेशन के लिए इसे खोला गया है। यह 4 acres में फैला हुआ है, जिसमें कि लगभग 120 प्रकार के फर्न लगाए गए हैं। अब हम उत्तराखंड में इसे खोला गया, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, जिसके वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और वर्तमान गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। और इसका कैपिटल देहरादून, जो कि विंटर कैपिटल है, और गैरसैन, जो कि समर कैपिटल है, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली नुआखाई फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, उड़ीसा राज्य में नुआखाई त्यौहार हाल ही में मनाया गया। यह त्यौहार उड़ीसा में गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। नुआ अर्थात नया, खाई अर्थात फसल। नुआखाई का मतलब है कि जो फसल, नए फसल की कटाई होती है, उस समय इस त्यौहार को मनाया जाता है। अब इसे उड़ीसा में मनाया गया, तो उड़ीसा के बारे में हम जानते हैं। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, वहाँ के सीएम नवीन पटनायक हैं, वहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज उड़िया है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल की वीडियो में, अगले क्लास में, अगले वीडियो के साथ।